नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। आज हम हमारी इस विशेष रिपोर्ट में जानेंगे भारत के एक ऐसे राजनेता के बारे में जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी राजनीति पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाई हो। उन्होंने ना ही सिर्फ अपने पार्टी को पहचान दिलाई है बल्कि देश के प्रमुख राजनेता में उनकी चर्चा होती है, जहाँ समय समय पर होने वाले आंदोलन में देश ने कई नेता दिया और उसी तरह एक आंदोलन से निकला हुआ यह राजनेता आज के वक्त में देश के राजनीति के ध्रुव है। और मैं यूं कहूं, इनके बारे में बताया जाता है, अगर इनके जिद की बात करें तो इन्होंने एक कंपनी में जब इंटरव्यू के लिए गए तो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इन्होंने जिद ठान लिया, मुझे जॉब इसी कंपनी में करनी है, और उन्होंने दोबारा इंटरव्यू देकर उस कंपनी में जॉब भी पाया। जो एक IRS अधिकारी थे वे नौकरी छोड़ दी और समाज सेवा के लिए राजनीति में आए ताकि समाज में कुछ बदलाव करें। शुरुआत से समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रही। इसी क्रम में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और करप्शन के बाद एक आंदोलन हुआ जो अन्ना आंदोलन के नाम से काफ़ी फेमस हुआ। इस आंदोलन के बाद जब इन्हें लगा कि इनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है तो इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम हुआ, उन्होंने रखा आम आदमी पार्टी। तो अब तक आप समझ ही चुके होंगे मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। आइए देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी में चुनौती देने वाले अरविंद केजरीवाल फरवरी 2015 में रिकॉर्ड बहुमत से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। दिल्ली विधानसभा की 70 में से 68 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीत कर आए थे और इस जीत के मुखिया थे अरविंद केजरीवाल। देश की राजनीति में केजरीवाल अन्ना आंदोलन की देन है। बता दें कि IRS की नौकरी छोड़ समाज सेवा की राह पर निकले अरविंद केजरीवाल को शुरुआत में अन्ना हजारे जैसे बड़े समाज सेवियों का समर्थन मिला। साल 2013 में हुई दिल्ली के चुनावों में आम आदमी पार्टी को 28 सीटों पर जीत मिली थी और वे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस चुनाव में केजरीवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बड़े अंतर से शिकस्त दी थी। कांग्रेस के समर्थन से केजरीवाल ने 39 दिनों की सरकार चलाने के बाद इस्तीफा दे दिया। एक साल बाद 2015 में फिर चुनाव हुए। इस चुनाव में केजरीवाल ने और अधिक मजबूती के साथ वापसी करते हुए 70 में से 68 सीटों की नाम किया। 14 फरवरी 2015 को अरविंद केजरीवाल दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने लगातार तीसरी बार नई दिल्ली विधानसभा सीट से जीत हासिल की। 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार जिले में जन्मे अरविंद केजरीवाल तीन भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके पिता का नाम गोविंद और माता का नाम गीता है। केजरीवाल की पत्नी का नाम सुनीता है और वे IRS अधिकारी रह चुकी हैं। सुनीता ने अरविंद के मुख्यमंत्री बनने के बाद VRS ले लिया। उनके बच्चों का नाम हर्षिता और पुलकित है। अरविंद केजरीवाल ने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। 1992 में उनका चयन IRS में हो गया। उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और सामाजिक कार्यों में लग गए। सरकारी कामों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए केजरीवाल ने सूचना का अधिकार के लिए काम किया। इसके लिए उन्हें साल 2006 में मेगासराय पुरस्कार प्राप्त हुआ। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा राजनीति में वे परिपक्व होते चले गए। राजनीतिक करियर की शुरुआत में हर मुद्दे पर सड़क पर उतरने और खुलकर बोलने वाले केजरीवाल चुप से हो गए। बेहद ज़रूरी होने पर वह बोलते हैं। केजरीवाल अब सुलझे नेता की तरह नजर आते हैं। केजरीवाल के हाथ में ONGC से नौकरी का ऑफर लेटर आ चुका था, लेकिन उन्होंने जिद कर ली थी कि नौकरी तो उसी टाटा स्टील में ही करनी है, जिसने इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया। दरअसल टाटा स्टील जमशेदपुर के साथ अरविंद केजरीवाल का पहला इंटरव्यू निराशा भरा था। उन्हें तब कंपनी ने नौकरी लायक समझा ही नहीं। केजरीवाल इतनी जिद्दी ठहरे कि उन्होंने दोबारा इंटरव्यू के लिए टाटा स्टील कंपनी मुख्यालय पर
गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें इंटरव्यू का एक और मौका मिला जाए, वह अपने आप को साबित कर देंगे। कंपनी ने उनकी गुहार सुनी और उनका फिर से इंटरव्यू लिया। केजरीवाल ने मिले मौके को भुनाया और खुद को साबित कर दिया। अब टाटा स्टील की नज़र में नौकरी के लायक घोषित कर दिए गए। ट्रेनिंग के बाद जमशेदपुर में केजरीवाल टाटा स्टील में असिस्टेंट मैनेजर बने। टाटा स्टील में नौकरी करने के दौरान ही 1995 में उनका चयन IRS में हो गया। अन्ना आंदोलन अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। अरविंद केजरीवाल ने अपने साथियों के साथ 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी बनाई। राजनीति के अखाड़े में केजरीवाल के साथ दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का अहम हाथ दिखा। मनीष सिसोदिया के बारे में एक बार अरविंद ने कहा था कि मनीष हमारे NGO के साथ जुड़ने वाले कार्यकर्ता थे। जन लोकपाल बिल के लिए केजरीवाल ने समाज सेवी अन्ना हजारे के साथ आंदोलन किया। उनके इस आंदोलन से शांति भूषण, प्रशांत भूषण, संतोष हेगड़े, किरण बेदी जैसे दिग्गज लोग जुड़ते चले गए। 2024 में अरविंद केजरीवाल एक बार फिर नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए दिखाई देने लगे। उन्होंने मोदी के मिशन 2014 की तरह भारत को एक बार फिर महान बनाने का मिशन शुरू किया है। केजरीवाल ने कहा कि जब तक भारत को दुनिया का नंबर एक देश नहीं बना देते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। मैं देश के कोने कोने जाऊंगा और देश के 138 करोड़ लोगों का गठबंधन बनाऊंगा। मोदी की तरह पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों ने इन पार्टियों और इन नेताओं के भरोसे देश को छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए भारत के हर व्यक्ति को आगे आना होगा। यही नहीं, मनीष सिसोदिया से लेकर राघव चड्ढा और संजय सिंह जैसे शीर्ष नेता कह रहे हैं, पहले बोला जाता था कि मोदी बनाम कौन, अब कहा जा रहा है मोदी बनाम केजरीवाल। लेकिन सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी के इस दावे में कितना दम है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली के लोगों से लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील की, ताकि उनकी आवाज़ संसद में सुनी जा सके और पानी का बढ़ा हुआ बिल माफ किया जाए। राष्ट्रीय राजधानी में पानी के बढ़े हुए बिल के खिलाफ यहां आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सरकार चलाने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार की शराब की नई आबकारी नीति 17 नवंबर 2021 को लागू हुई थी, लेकिन नीति लागू होने के महज 4 महीने में शराब कारोबारियों ने कारोबार में हो रहे नुकसान के चलते लाइसेंस सरेंडर कर दिया। इससे सरकार को पॉलिसी लागू होने के साथ ही हर महीने करोड़ों रुपए का नुकसान होना शुरू हो गया था। बता दें कि शराब घोटाले मामले में ED ने अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसमें पहले ED ने दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। वहीं अब केजरीवाल भी इस मामले में बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ED दिल्ली CM को 8 समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल 7 समन के बावजूद भी पूछताछ के लिए शामिल नहीं हुए हैं। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने 2021-2022 के लिए एक्साइज नीति के तहत जिन शराब व्यापारियों को लाइसेंस जारी किए थे, उन्होंने इसके लिए रिश्वत दी थी और साथ ही मनपसंद शराब व्यापारियों को ही लाइसेंस जारी किए गए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने गड़बड़ी के चलते शराब नीति को रद्द कर दिया था और CBI जांच की सिफारिश की थी। ED ने भी कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मामला दर्ज किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेक इंडिया नंबर 1 मिशन पर निकल पड़े हैं। केजरीवाल ने कहा उन्हें इस देश के 168 करोड़ लोगों को इस मिशन से जोड़ना है। केजरीवाल ने कहा कि लोगों में क्रोध है और सवाल है कि 75 साल में कई देश आजाद हुए और आगे निकल गए। उन्होंने कहा अगर हम इस देश को इन नेताओं के भरोसे छोड़ देंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं अपील करता हूं कि सभी 138 करोड़ लोग इस राष्ट्रीय मिशन के साथ जुड़े। जिस दिन सभी 138 करोड़ लोग इससे जुड़ गए तो देश को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। केजरीवाल ने कहा था कि इस मिशन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं BJP, कांग्रेस, इन पार्टी के सभी नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि इस मिशन से जुड़ें। उन्होंने कहा मैं देश के सभी राष्ट्रीय भक्तों से अपील करता हूं कि वे इससे जुड़े। केजरीवाल ने कहा कि हमें अब लड़ाई नहीं लड़नी है, हमने 75 साल लड़ाई के निकाल दिए। BJP कांग्रेस से लड़ रही है, कांग्रेस आपसे लड़ रही है और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी पिस रही है। यूं तो भारत की राजनीति में नौसिखिया बनकर आए थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन समय के साथ राजनीति में परिपक्वता हासिल किया और अभी इस वक्त अगर कोई कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने मजबूत विपक्ष नहीं है, उनके सामने अगर कोई चुनौती पेश करने वाला नेता है, या अगर हम नाम लेते हैं कि मोदी नहीं तो कौन, तो कुछ लोग केजरीवाल के नाम ही लेते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या अरविंद केजरीवाल भारत के नेतृत्व कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही।
आप बने रहे तमाम तरह की खबरों के लिए द ग्राउंड न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।